मैं अनामिका सिंह, आपका अपना YouTube चैनल माई स्टडी पॉइंट 26 में आपका स्वागत है। जो ब्रदर सिस्टर हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग की हमें बहुत आवश्यकता है, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य के 51 लाइनर क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम लेखक कौन है, वो है गर्गादा तासी। चलिए अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? तो वो कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है, वो है 18। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ का लेखक कौन है? तो वो कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो वो है मिश्र बंधु विनोद। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन में व्रत एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? वो कौन है, जो हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन से पूर्व का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है 84 वैष्णव की वार्ता। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो वो हुआ था हिंदी शब्द सागर की भूमिका। अगला क्वेश्चन है, सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? तो सरोज स्मृति जो रचना है वो निराला की है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है, महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन है, रीत काल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो रीत काल को कितने भागों में बांटा गया है, वो है 3 भागों में। अगला क्वेश्चन है, रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? तो वो कौन है, बिहारी। ये क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो वो जो खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य लिखा गया था वो है प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन है, साकेत के रचनाकार का नाम बताइए। तो साकेत के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। अगला क्वेश्चन है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? वो कहा है डॉक्टर नागेंद्र ने। अगला क्वेश्चन है, कमायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? तो कमायनी के किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है, वो है शैव दर्शन। अगला क्वेश्चन है, जागरण सुधार काल के नाम से किस काल को जाना जाता है? तो जागरण सुधार काल के नाम से जाना जाता है द्विवेदी काल को। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि भाग एक में कितने निबंध हैं? तो वो है 17। अगला क्वेश्चन है, पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम बताइए। तो पथिक खंड काव्य के रचनाकार का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंदन हीरानंदन बादशाह ने अज्ञाय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? किस रचना पर मिला था, वो है कितनी नाव में कितनी बार। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई की भक्ति किस भाव की थी?
मीराबाई की भक्त थी माधुर्य भाव की। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना मानवतावादी है? वो है लोकायतन। अगला क्वेश्चन है, सूरदास जी ने भक्ति काल के कितने रूपों का वर्णन किया है? तो सूरदास ने 11 रूपों का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है, सूरदास जी ने जीवनोत्सव का कब किसने कहा है? सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है? वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला क्वेश्चन है, कुंभी पाक किस रचनाकार की रचना है? कुंभी पाक किस रचनाकार की रचना है? वो है नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है, युगधारा रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो युगधारा के रचनाकार हैं नागार्जुन। अगला क्वेश्चन है, डाक बगला किसका उपन्यास है? तो डाक बगला किसका उपन्यास है? वह है कमलेश्वर। अगला क्वेश्चन है, केशवदास की रसिक प्रिया की रचना कब हुई थी? केशवदास की रसिक प्रिया की रचना हुई थी 1591 में। अगला क्वेश्चन है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? तो वो हैं जॉर्ज गियर्थन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है? तो वो मिला है रामचंद्र शुक्ल को। अगला क्वेश्चन है, गारगा दत्तासी ने इस्तवार दाला लितुलेतर एंदो ये हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? तो वो किस भाषा में की है? फ्रेंच भाषा में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया है? वो किया है हिंदी साहित्य नामक इतिहास का ग्रंथ संपादक किसने किया है? वो किया है डॉक्टर धीरेन्द्र बर्मन। अगला क्वेश्चन है, किस आलोचक ने आदिकाल को बीजपन काल नाम से अभिहित किया है? तो वो किसने अभिहित किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन है, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा है? तो सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? वो है राहुल संस्कृताय ने। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी को प्रारंभिक काल को वीर गाथा के नाम से अभिहित किया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काल कहा गया है? तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा गया है। स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दूहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की गई है? तो किस साहित्य के अंतर्गत की गई है? वो है लौकिक साहित्य। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के अंतर्गत सरहपा लुईपा सबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? तो वो किससे संबंध है? वो है सिद्ध साहित्य से। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वो महाकाव्य है हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज राजसो। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल की रूढ़ियों परंपरा और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? तो आदिकाल की रूढ़ियों की परंपरा प्रवृत्तियों को समझने के लिए प्राकृत पैगलम की सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का रचयिता किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो का रचयिता माना जाता है चंद्रबरदाई को। अगला क्वेश्चन है, रासो काव्य परंपरा में गैय काव्य कौन सा है? तो रासो काव्य परंपरा में गैय काव्य है बीसलदेव रासो। अगला क्वेश्चन है,
दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्त व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्त व्यक्ति प्रकरण काव्य है व्याकरण ग्रंथ। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि है आमिर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, आदिकालीन शिलांकित कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? आदिकाल शिलांकृत कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? वो है राहुल वेल। अगला क्वेश्चन है, आमिर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? वो रहे हैं पहेलियाँ और मुकरियों के लिए। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन वो है, रामानंद किस भक्तिधारा के प्रमुख कवि हैं? तो रामानंद निर्गुण भक्तिधारा के कवि हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।